ये जबरन धार्मिकता थोपे तो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, वहां से कोई जबरन धार्मिकता थोपे जय श्री राम बोले तो उसका कत्ल हो जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा शोएब जमाई, आप कट्टर हैं तो आप मान रहे हैं मैं कट्टर हूँ। ऊंचा सुनता है क्या ऊपर वाला, ऊंचा सुनता है क्या ऊपर वाला? नमाज के लिए मस्जिद की जरूरत नहीं है, वो सड़क पर हो सकती है, लेकिन अजान के लिए लाउडस्पीकर जरूरी है। आप इतने कम्युनल और कट्टर आदमी है ना, आपको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है ये, वो अगर कट्टर हैं तो वो कहने की हाँ मैं कट्टर हूँ, ठीक है, मतलब ये ठीक है, अच्छी बात है ये, बहुत मुझे बहुत अच्छे लगे आज शोएब जमाई। देखिए देखिए एक में शहजाद, बहुत अच्छी बात है ये, वो अगर कट्टर हैं तो वो कहने की हाँ मैं कट्टर हूँ, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं कट्टर हूँ, वो जबरन धार्मिकता थोपते हैं। मुझे ऐसी बातें सुनकर ना चंदन याद आता है, चंदन गुप्ता मुस्लिम इलाके में जब गया था तिरंगा यात्रा लेकर, जबरन धार्मिकता थोपना तो छोड़िए, धर्म राष्ट्रवाद जबरन थोपा गया था, उसको मार दिया गया था। जय श्री राम मुझे याद है रिंकू की हत्या कर दी गई थी जबरन धार्मिकता थोपने पर। ये जबरन धार्मिकता थोपे तो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, वहां से कोई जबरन धार्मिकता थोपे जय श्री राम बोले तो उसका कत्ल हो जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा आज शोएब जमाई, आप कट्टर हैं तो आप मान रहे हैं मैं कट्टर हूं, और गंगा जमनी तहजीब और ये सारी चीजों को आज आप तिलांजलि दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे नहीं होता, मैं आपके कान में, मैं आपके कान में माइक घुसेड़ दूं अभी और कुछ जय श्री राम और पता नहीं तो आप तो मेरा मर्डर मतलब वो तो क्या होगा मेरे साथ मुझे भी नहीं पता, मैं माफी चाहूंगा, ये सब मैं नहीं बोलना चाह रहा था, मैं माफी चाहूंगा। नहीं, वो नहीं, मैं गलत बोल गया शोएब भाई, मैं गलत बोल गया, मैं अगर ऐसा कर दूंगा तो मेरे साथ क्या होगा? आप लोग तो मेरे कान में अजान घुसेड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपके कान में जय श्री राम या माइक अगर स्पीकर लगा दूंगा तो मेरे साथ क्या होगा? हमें तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, मैं मान सकता हूँ, उसके लिए शोएब भाई मैं माफी मांग रहा हूँ, मतलब गुस्सा मत होइएगा। वो तो हर जगह गली मोहल्ले में बोलिए, कोई गरीब आदमी दिख जाए, कोई फकीर, बोलो जय श्री राम। चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो इधर ही मुंह खोलने की? नहीं बोलोगे तो मारूंगा, वो तो रोज चल रहा है। जय श्री राम बोलने पर मार दिया जाता है मुस्लिम इलाके में। क्या हुआ था रिंकू के साथ? रिंकू के साथ क्या हुआ? तिरंगा यात्रा निकालने पर चंदन के साथ क्या हुआ? मत जाइए उस तरफ, फंस जाएंगे। अल्ताफ की शोएब लाउड स्पीकर पर रहेंगे। अच्छा एक मिनट शोएब, आप लाउड स्पीकर के पक्ष में हैं? आप कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर से अजान इस्लाम का अभिन्न अंग है, ठीक है शोएब भाई, मैं मान लूं? नहीं, कांवड़ कांवड़ में आप बजाए। अरे आप सवाल भाग, मैं तो उसके भी खिलाफ हूँ भाई, वहां पर भी अगर लाउड स्पीकर बजते हैं ना तो मैं बंद करिए उसको। मैं शोएब, मैं आपके साथ हूँ, मैं बोल रहा हूँ, अगर वहां पर ऐसे लाउड स्पीकर बजते हैं तो बंद करिए भाई उनको। ऊंचा सुनता है क्या ऊपर वाला? ऊपर वाला कोई भी हो, ऊंचा सुनता है क्या ऊपर वाला? कोई भी हो ऊपर वाला, अगर वहां कांवड़ यात्रा में ऐसे हो रहे हैं तो बंद करिए उसको, मैं आपके साथ हूँ। आप बोलिए, क्या लाउड स्पीकर से अजान इस्लाम का अभिन्न अंग है क्या? मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ, क्या मैं पूछ रहा हूँ लाउड स्पीकर से अजान? दुनिया की कोई ताकत सर ऊंचा नहीं बंद कर सकती। बवासीर एक आम समस्या है, इसके जल्दी सुन लेगा क्या ऊपर वाला भाई? आप मन में दुआ करते हैं, अरे अजान की बात ही नहीं हो रही है, लाउड स्पीकर का विरोध है सर, अजान का नहीं है। अजान को बंद नहीं कर सकती अमन चोपड़ा, क्या इसकी दस नस्लें भी आ जाए? अजान के खिलाफ बोल ही नहीं रहे शोएब भाई, आपको समझ ही नहीं आ रहा, आपको दिक्कत है, आपके फोन का लाउड स्पीकर खराब है। हिम्मत से कहना चाहिए, अभी वो लाउड स्पीकर बंद नहीं हुआ लेकिन आपके फोन का लाउड स्पीकर शायद खराब है भाई। सड़क पर नमाज हो सकती है, नमाज के लिए मस्जिद की जरूरत नहीं है तो अजान के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत क्यों है भाई? नमाज के लिए मस्जिद की जरूरत नहीं है, वो सड़क पर हो सकती है लेकिन अजान के लिए लाउड स्पीकर जरूरी है। छोड़िए अकाट्य करके आप नहीं इस पर बोल पाएंगे, आप इतने कम्युनल और कट्टर आदमी है ना, आपको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। आपने चश्मा उतारिए, आप कम्युनल है बहुत।